हमेशा बिजली कोनी मेरे है, और ना मेरे पानी ना मेरे कोई और फुटिया ढूंढ पड़िया से, कोई बटन आलो पड़ जाए तो दबोर जाऊंगी मैं तो अंधी लुगाई से। अच्छा हां, हम मिले टाइम भी पूरा सारा बिना निकल जाए, 30 तारीख ना होगी बता पाछे के करा तनु पाट देखा कदे जीव है कदे मर लियो। हां नहीं देखा पाट मर जाई तो थाने उड़े रख ले, और रख ले ये थाने मरदी होत रहेगी उड़े। क्या बात तो देखने। साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सदक संसार में। और भाई हरियाणा का लाल केजरीवाल लोहारू हलके के अंदर मौजूद हैं और हरियाणा के अंदर तस्दीक कर दी है। ये झाड़ू लिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, सफेद सफेद टोपियों के माध्यम से, थोड़ा आगे सफेद टोपियों के अंदर ये मैं भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहूँ, हाथों में झाड़ू लिए जो हरियाणा की गंदगी को साफ करने का संकल्प जो है इन लोगों ने ले लिया है। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता लाखलन जी यहाँ पे पहुंची है, पहले भी समय के ऊपर यहाँ पे आई है, जो इस हलके के अंदर लोगों की, गरीब लोगों की हर समय समस्या उठाती है, और समस्या उठाती ही नहीं बल्कि उनका समाधान भी करवाती हैं। ये माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि गांव की क्या मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि 3 महीने बाद हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन होते ही बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने लेकर के आते हैं, वो नेता भी पूछते हैं बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर के, लेकिन इन लोगों से, महिलाओं से पूछेंगे कि कौन सी समस्याएं हैं वो चीजें। तो आइए इन महिलाओं से पूछ लेते हैं कि क्या प्रोग्राम था। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। हाँ छोड़ दो, के नाम है? नाम तो जी रामर्ति मेरा। तो यो आज के प्रोग्राम था, हाथ में झाड़ू ले रखी है, के प्रोग्राम था आज का? ये प्रोग्राम तो जी मनाया था अपने जी दम था, गेड़ ये मनाऊंगा यो। अच्छा हाँ, तो केजरीवाल ने मनाऊंगा जी की मैं मना, कोई वोट दे गेर, कोई मकान सी फूटा पड़ा है। ये मुख्य समस्या है गांव की, समस्या पानी की जी। अच्छा। एक खड्डा खोद की छोड़ दे, मच्छर कहाँ है, रोज भी मारो जाए की जावा, पानी निकास खतर करे हो, पानी निकास खतर अगर लिकड़ा घर का मैं लिकड़ा को सारा घर। हाँ अगर सी करवा रहा हूँ बड़ी पड़ी कोड है। और क्या समस्या है? और पानी आई से पीने की रिया नलकियां पानी को नहीं आ छोड़ा ने, नलकियां पानी को नहीं आ, हाँ नलकियां माओ को नहीं आ रहे बोरिंग की, टाबर मार टाबर ये सारा पढ़ा लिखे आंटी इंजीनियर ना, कोई जॉब दिवाओ, लड़की भी लड़का भी, लड़की भी लड़का भी सारा पढ़ा पूरा पूरा पढ़े, बीएड बीएड कर कर छोड़ रहे। हां जी पूरी नौकरी कौन मिली है? नहीं जी कोई किसी ने नहीं मिली है, पूरा पढ़ रहे हैं लड़की भी लड़का भी, और नाली सी पराकज पतली पतली जाके देख ले मारते घर पे जाके की क्या हो रही है, अड़ंगो टट्टा सा घर बीते सफाई वाला कोनी आऊं, सफाई वाला कोनी आऊं जी, यहां गाल बतावे कोनी, सफाई नहीं करे जी, सफाई नहीं कर, अड़ंगो सफाई कर, ये गम गम रह जा, घर घर छोड़ जा, नालियां पाइप कर, नालियां हम जाके देख ले। गीता जी, जिस प्रकार से महिलाएं का आज आपने एकत्रित किया है, पहले भी गांव के अंदर आए हैं आप, हरियाणा के अंदर आप घूम रहे हैं, क्या मुख्य समस्याएं लेकर देख रहे हैं हरियाणा के अंदर? पिछले 10 सालों से हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी है जो ये बोलती है कि हरियाणा के 70 साल अलग हैं और 10 सालों की तुलना करते हैं। एक केजरीवाल जी लगातार दिल्ली के अंदर भी सरकार बनाए हुए हैं और पंजाब में भी सरकार बनाई है, क्या मुख्य समस्याएं देखी? ऐसा है रोहित जी, सबसे पहले तो आपको आम आदमी पार्टी की समस्त टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार, श्रोतागणों को भी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल जवाब किया, आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में जनसंवाद शुरू किया है। जो आप कह रहे हो मोदी सरकार कह रही है कि 60 साल में काम एक तरफ और 10 साल में काम एक तरफ, हम इस काम को मानते ही नहीं। इन 10 सालों में जो बेरोजगारी युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दी है, चुनाव से पहले वादे किए थे कि हरियाणा में 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आज हर घर में बेरोजगारी है। ये जो आज महिलाएं हैं सिंगाणी गांव में, ये आज एक दिन की मेहनत नहीं आम आदमी पार्टी की, मैं 3 साल से इन महिलाओं के साथ आ रही हूँ। मेरी जो गांव की सेक्रेटरी है बहुत ही पढ़ी लिखी और मेहनती महिला है प्रोमिला जी, तो मैं पीछे भी आई थी, पीने की पानी की भारी समस्या थी, पीने के पानी में काई लगी हुई थी, पीछे आवाज उठाई तो बहनों का काम बढ़ा, और अब जैसे गांव में आए हैं पानी की पीने की समस्या फिर से दोबारा है, आवाज उठाते एक बार काम बन जाता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं होता, सारी गलियों का पानी की निकासी की भी भारी समस्या है, अब हर गली में गली का निर्माण चल रहा है, उससे भी परेशानी है, या तो सरकार टेंडर दे, नहीं टेंडर दे तो फटाफट काम बढ़ना चाहिए। रोजमर्रा की जो मेरी बहनें हैं घर से बाहर जाती हैं तो इनको दिक्कत होती है, ईंट पत्थर सब निकले पड़े हुए हैं, जो टेंडर जिस भी ठेकेदार को देते हैं वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटल नहीं है गाँव में, और पानी का जो वेस्टेज पानी है इसी कॉलोनी के अंदर स्टोर हो रहा है, उसकी वजह से बीमारियां फैल रही है, तो समस्याएं बहुत है। और आम आदमी पार्टी
अगर ये मतलब हरियाणा के अंदर तस्दीक करेगी, समस्याएं तो हैं, किस प्रकार क्या मुद्दे लेकर के हरियाणा के अंदर आ रही हैं, जो आप लोगों की गारंटी है केजरीवाल की, वो क्या? देखो, जो आम आदमी पार्टी का मॉडल दिल्ली में है, पंजाब में है, आपको पता है बिजली पे अच्छा काम करती है आम आदमी पार्टी, शिक्षा पे बहुत बढ़िया बेहतरीन फ्री सुविधाएं देती है पब्लिक को, स्वास्थ्य पे अच्छा काम करती है, रोजगार पे अच्छा काम करती है आम आदमी पार्टी। बेशक छोटे वादे करती है, कम वादे करती है, अगर 5 गारंटी लेके आती है तो चुनाव के तुरंत बाद उन कार्यों पे काम करके दिखाती है, करके दिखाया है, दिल्ली में दिखाया, दिल्ली के लोग खुश हुए। अभी 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती जा रही है, दिल्ली के कार्यों को देखते हुए पंजाब के लोग प्रभावित हुए, 117 में से 92 से सीट आम आदमी पार्टी ने ली, वहां भी वादे किए थे कि सरकार बनने के तुरंत बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा है, 50,000 वैकेंसियां निकाली हैं। आज पंजाब में भी फ्री बिजली, 2400 घंटे बिजली और कोई पावर कट नहीं लगता, 18 वर्ष से अधिक घर में चाहे 1 महिला हो 5 महिला हो 1,000 रुपए प्रतिमा सम्मान राशि दे रहे हैं, क्योंकि मेरी बुजुर्ग महिलाएं हैं जैसे मेरे यहाँ भी खड़ी हैं, अभी अगर घर में बेटी आ जाती है तो माता भी चाहती है 150-500 रुपए दे के बेटी का मैं सम्मान करूं, तो इन्हें उस सम्मान के लिए 3,000 रुपए मिलते हैं यहाँ, 3,000 कहाँ मिलते हैं, आईडी के नाम पे इतना परेशान कर रखा है, बुढ़ापा पेंशन ही नहीं, सुनो बुढ़ापा पेंशन ही नहीं बन रही है। अभी अगर इनकी आईडी उठाएं, आज जो महिलाएं हैं इनमें से 50% महिलाओं की तो पेंशन बनी हुई नहीं है, तो इसलिए कहती हूँ आम आदमी पार्टी बेशक वादे कम करती है लेकिन पूरा करती है। और पंजाब का ही नतीजा था कि गुजरात में 42 लाख वोट हासिल किए, 5 विधायक बनाए, और अब मैं नहीं कहती, हरियाणा की हर महिला हर युवा जन जन पे एक मैसेज है कि हमने सबको मौका देके देख लिया, अब की बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता नेता बनने के लिए काम नहीं करता, बदलाव के लिए काम करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, शिक्षा पे ध्यान हो सरकार का, मूलभूत सुविधाएं मिले, हॉस्पिटल से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं आम जनता को मिलनी चाहिए। गीता लाखलान जी से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ पे भी जाती हैं मुख्य समस्या है लोगों की, जैसे माता जी ने बताया कि गलियों की मेन समस्या है, गलियाँ बना दी जाती हैं लेकिन उसके बाद उसके नीचे लाइनें दबाने के लिए उसको उखाड़ दिया जाता है, आम जन को कोई नेता वहाँ तो आता नहीं है, कोई आने जाने वाले लोग हैं सुबह जाते हैं ठोकर लग के गिर जाते हैं, और गाँव के अंदर जो जोहड़ खुदवाए गए हैं बाहर निकासी के लिए खुदवाए गए हैं, लेकिन कहते हैं कि निकासी के लिए खुदवा तो दिए गए हैं लेकिन आसपास अगर घर हैं तो वहाँ पे मच्छर इतने पैदा हो जाते हैं, मलेरिया होने का भय रहता है, ये बड़ी बड़ी मुख्य समस्याएं जो हैं वो यहाँ पे लोगों की रहती हैं, ये मुख्य समस्याएं जो है वो गीता लाखलान जी लोगों के बीच में आकर के उठाई हैं, और हर समस्या का समाधान जो है वो पूरे पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। आगामी जो चुनाव के अंदर हैं बातचीत करते हैं, सर हैं इनसे बातचीत करें, सर नमस्कार। नमस्कार जी, रोहित जी ऐसा है जो बुढ़ापा पेंशन से अलावा आम आदमी पार्टी क्या करती है जी, 18 ऊपर से 18 की आयु से ऊपर कोई भी माँ अपनी बहन बेटी है उसको वो देती है, बुढ़ापा पेंशन एक अलग चैप्टर है, लेकिन अब आप इस बीजेपी गवर्नमेंट को देखते हो तो पीछे इन्होंने अग्निवीर चालू कर दी, आज हमारे गांव का युवा कहाँ जाता था फौज में, जो एकमात्र फौज बची हुई थी उसको भी इन्होंने 4 साल कर दिया, ना कोई पेंशन ना कुछ, और एक MLA MP बन जाता है थोड़े दिन के लिए उसके पूरी लाइफ टाइम पेंशन, और एक फौजी जो देश के लिए -45 डिग्री टेम्परेचर में रहता है उसके लिए कोई पेंशन नहीं, कोई मेडिकल नहीं, तो इस सरकार ने बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है। सही कहा भी 4 साल, क्योंकि आम आदमी को किसान से जुड़े हैं। हाँ बेटा कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम? सर 12th कर लिए, 12th तक हमारा स्कूल है यहाँ पे, पर 12th के बाद लाइब्रेरी नहीं है, कॉलेज है वो बाहर है, लोहारू जाना पड़ता है उसके लिए, इसलिए लाइब्रेरी जेंट्स की है, बॉयज की लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर, गर्ल्स की लाइब्रेरी नहीं है। गर्ल्स की लाइब्रेरी नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए आप सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगे? एक लाइब्रेरी होनी चाहिए गर्ल्स की। कॉलेज आपके पास में लोहारू में भी है, सिंगाणी में भी है, सिंगाणी में भी है, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है वो, फीस 18,000 रुपए है, ज्यादा लगती है, अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। उठाई लाइब्रेरी की बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी आपको बताना भूल गई, जैसे आपने 12th कर ली उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा डिग्री करते हो तो आपको एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, दिल्ली में हायर एजुकेशन के लिए +2 के बाद फ्री लोन देती है 10 लाख तक, ताकि बच्चा अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज ये जो गाँव की समस्या है, इन महिलाओं की जो भी शिकायतें हैं उसकी तरफ सरकार ध्यान दे। ये बहन है विधवा है, अच्छा, इनको आंखों से बिल्कुल दिखता नहीं है, जीरो, तो इस बहन के घर में भी बिजली का मीटर नहीं, बताओ बिजली नहीं, मेरे को नहीं जी, मेरे तो पुट्टा ढूंढ पड़े पेंशन है, लेकिन
मतलब क्या क्या समस्या है? घर समस्या बिजली कोनी मेरा है और ना मेरा पानी ना मेरा कोई और फुटिया ढूंढ पड़ा कोई बटन आलो पड़ जाए तो दबोर जाऊंगी मैं तंदी लुगाई। अच्छा, मतलब बिजली भी नहीं है तो कैसे रहे इस गर्मी के? क्या करा तो दे सारी तो उतड़ी पड़ी उम्र डांसा में के हो तुम। देखो भाई, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो समस्या तो होती है लेकिन मुद्दे अपने आप नहीं उठा नहीं सकते, नेता लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, कार्यकर्ता बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को राइट नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ऐसे तो ये पोती से टिंगर से बहुत दारू पी हुई जी, वह मेरे कोई दोष है। हाँ जी, मैं मतलब बोलना चाहूंगी, जब बच्चों की स्कॉलरशिप की बात आती है तब फंड खत्म हो जाता है, जब ये पूंजीपति लोगों को अरबों खरबों लोन माफ करते हैं तब इनके पास पूरा होता है पैसा, है ना? गरीब आदमी की बात आवाज, गरीब आदमी की जब बात आती है तो इनकी वो खजाना खत्म हो जाता है। बिल तो टाइम पर मिलती बताओ, मिला टाइम की पूरा सारा बिल निकल जाए, 30 तारीख ना होगी बता पता क्या करा फिर मर्गी तो फिर घरी टाबर तो है, उनकी सेवा भी तो करी बुढ़ी की बेचारी है, इमत बीमार हो रही थी बता, इमन तो सिल जाएगा ऑपरेशन करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा कार्ड बन रहे कार्ड तो न्यूएस है कंप्यूटर में चढ़ा है, इधर में दौड़ा हो गया मेरा जी और दिन ठीक थी पर मिला अरे सोरा निका सी भर्ती कराऊ तो ये बर्त लिया और पंजाब में कोई भाड़ा भी मेरे तो पूरा लिया कल मैं सिवानी चली गई मार चेक करा दी पूरा सौ लिया सा 60 साल की अरे कार्ड में 60 साल कर दी तो मैं दी पिलन तो वो करे अदो बाड़े तो करे गुड़ी पड़ी मत बुझ ले सुरे तो वो कौन मनवा रखे था मैं मना रखे हम बस के कार्ड सब है मेरे कौन सा लेवे यो मत गुड़ पड़ी कनेक्टर है तीना तरह पाड़ बगा मत बस मैं रोहित जी एक मिनट और बोलना चाहूंगी, ये जो मेरी बड़ी बहन कह रही है ना ये रियलिटी है क्योंकि लुआरू में मैं 3 साल से घूम रही हूँ, ये अपना डिगावा है यहाँ पे वाल्मीकि मोहल्ले में एक 12 साल की बच्ची स्कूल से आई और वो खेल रही थी, वो दीवार गिरने से ना एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, आयुष्मान कार्ड भी था, डॉक्टरों ने हाथ हिला दिए, वो दिन में बच्ची खड़ा की बिठा पड़ी था मेरे घर देख के। तो मैं आज इन अब बड़ी बहन को ये बताती हूँ, दिल्ली और पंजाब में परी इलाज है, तीन दिन फोन करूँ डेली फोन करूँ और बिजली कोई आदमी को नहीं आता लगा साथ फोन मिलाओ है बिजली विभाग में और स्पीकर करो इसका फोन है कौन ना मिला कर दो दिन फोन कर दी किसका नंबर है ये बिजली बोर्ड में है वो कौन था बताओ तीन दिन आया रोजाना फोन कर दिया हरा को दिन रुका बोले वो 1000 रुपये लग गया उपहार लगाने का बताओ तो बात से कोई है नुका जी 1000 रुपये लग गया तार जोड़न का तार जोड़न का 1000 रुपये लग गया 1000 रुपये आदमी कौन है के नाम इसको हाँ को दिन नाम नूब को मेरे को नहीं मतलब लिया नंबर है बिजली बोर्ड है और फोन को ठाड़ा है कि सिंह आने हजो हीरो। अच्छा, तो भाई देखो घर में समस्या है और समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। 1000 रुपये लो, 1000 रुपया तार का, एक तार लगाने का 1000 रुपया। इसी समस्याएं हर गांव के अंदर मिलेंगे, आम आदमी पार्टी इन समस्याओं को उठाती है। चलो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।